الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح थे बाहर, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी रोशनी होगी थी, अच्छी भली रोशनी होगी है। तो ड्रोन फ्लाई किया हुआ है, सूरज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट किया जाए, तो बिस्मिल्लाह का नाम पढ़ के व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो शॉट भी लेना ज़रूरी था, तो शॉट्स शुरू में ही डालेंगे हम। डाल दिया होगा आपने, देख भी लिया होगा, क्योंकि मैं तो अभी बना रहा हूँ। तो वो मेरे ऊपर ड्रोन है, तो अभी मैंने उससे स्टेबल किया हुआ है ड्रोन को शॉट लेने के लिए। तो शॉट तो ले रहे हैं, लेकिन जो ये काँ वगैरह ना, बर्ड्स वगैरह ये फेर रहे हैं, इन्होंने मुझे तंग किया हुआ है। आवाज़ें देनी पड़ रही हैं मुझे इस तरह करके ना, कि उसके पास ना जाए, क्योंकि क्रैश ना हो जाए ड्रोन। तो उसे संभालना भी लाजमी है, एहतियात करनी है। तो अभी तो यही सीन है, सारी रात होगी काम कर रहे थे, व्लॉग एडिट चाह रहा था, तो एडिटिंग अभी भी जारी है। तो लेकिन सीन तो ज़रूरी है ना, अब व्लॉग पे व्लॉग यार रुकना नहीं है, अब व्लॉग पे व्लॉग देना है। इंशाल्लाह ये जब कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वायरस वगैरह, तो फिर हम ट्रैवल व्लॉग भी बनाएंगे, कहीं पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आपको भी घुमाएंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, आप हमारे साथ तावन कीजिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा, तो आपको दिखाते रहेंगे। चलते हैं, चलिए अभी शॉर्ट ले रहा हूँ मैं ज़रा। हाँ जी गाइस, ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं, पिंक कलर का, ठीक है, गुलाब और रेड कलर का गुलाब, सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है। यार इतने प्यारे लग रहे हैं, दिल नहीं करता उतारने का, लेकिन ये खुद झड़ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये झड़े हुए हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो ले जाते हैं झाड़ झूड़ के। तो हमने अपने यानी कि बगीचे, ये हमारा घर है और इसके सामने हमने ना क्यारी में क्या क्या लगाया हुआ है अभी आपको बताते हैं। हमने लगाया हुआ है जी पुदीना, ठीक है, धनिया, उसके बाद है जी वो पूखों वाला प्याज। हाँ अभी तो शॉट ले लिया हमने और बड़ा अच्छा शॉट आया, तो ज़बरदस्त बन गया, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा कैसा लगा आपको शॉट शुरू में। ज़रा ब्लॉग को टाइम दे दूँ तो फिर मैंने जाके सो जाना है, ठीक है, फिर सुबह उठ के आपसे मिलेंगे, ठीक है जी। और इतनी देर आप, ये एक सेकेंड भी नहीं लगना, कि ये इस तरह करना है और इस तरह आना है, तो करें 1 2 3। गुड मॉर्निंग, तो अभी मैं उठा हूँ, शाम का टाइम हो रहा है। सबसे पहले आप सबको शब बारात मुबारक हो, आज शब रात का दिन है, ठीक है, शब बारात का दिन है, तो कुछ ख़ास ही होता है हर घर में। तो आज जो खाने में है
वो अभी आपको बताते हैं कि शब रात में क्या क्या होता है। पहले नंबर पे पूड़ियाँ और साथ चने आलू और भुजिया वाले, और साथ होगा हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार। आप उसका ज़रा पैक चेक करें। फ्रेश फ्रेश पूड़ी चने और हलवा तैयार है। और हैं। हाँ जी भटूरे, मैं हलवा हलवा पूरी पूरी लगा हुआ हूँ। भटूरे चने और हलवा। चने आप चेक कर रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, मक्खन मलाई से बने हुए हैं। रेसिपी अच्छी है। ये मेरी प्लेट है और अब हम खा के चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत खस्ता है। यार भटूरा इस तरह खस्ता पड़े ना, मुंह मेरे जाते साल खोल जाता है। सादा चने लेके चेक करते हैं चनों के साथ। हलवा का देखा ज्यादा हो गया। सही बात। बड़े डर दे चने बन। यार चने मलाई नहीं होती, जैसे अंदर जैसे कोई मक्खन कोई ऐसी चीज डाली हो, मलाई की तरह इस तरह बना खस्ता बिल्कुल। मुंह में वाला जाता है और साथ ही घुल जाते हैं। और अब ज़रा ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा, तो गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा। तो खा के मिलते हैं। देखने में देखा जाए ना तो बहुत क्रिस्पी लग रहा था, यानी कि रेडिश रेडिश हुआ हुआ था, लेकिन जब तोड़ के हमने खाया तो इस तरह था कि जैसे एक तो क्रिस्पी था ठीक है, और मलाई की तरह नहीं होता घुल जाए, वो चीज़ थी नरम बहुत ही ज़्यादा ना खस्ता। तो ऐसा भटूरा और चना आपको कहीं से नहीं मिल सकता। ये जो सी रेसिपी थी मामा की अपनी रेसिपी थी, जो कि 40 साल पहले की रेसिपी जो खुद यानी कि बनाई हो उन्होंने, उनके ज़माने की रेसिपी थी। तो यार बहुत मज़े के थे भटूरे और चने। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसे चने और भटूरे कहीं नहीं खाए। ये था मेरा दिन पूरा, और अभी शब रात यानी कि उधर ही रात को इबादत करेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि आप दुआ मांगें इस कोरोना को ख़त्म हो जाए, अल्लाह पाक से दुआ मांगें, मगफरत करें, अस्तगफार की जितनी हो सके तस्बीह करें ठीक है, नमाज़ पढ़ें और इबादत करें ठीक है। आज की रात इबादत के लिए रखें ठीक है जी। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।